वो देखे सामने पहाड़ पे बर्फ पड़ी हुई है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, मुझे स्नोफॉल देखनी है यार। इस तरफ धूप निकली हुई है और इस तरफ काले बादल हो रहे हैं। अब देखो जरा, ये एक तरफ कोई मौसम है, दूसरी तरफ कोई मौसम है। देखते हैं अब क्या होता है, जो नसीब में हुआ। अनदर व्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ मरी, और मरी में हमने वेदर फोरकास्ट चेक किया था, इट वॉज शोइंग स्नोफॉल। और ये पीछे अंकल आ गए मेरे व्लॉग बनाते हुए, नेवर माइंड। अच्छा तो हम मरी जा रहे हैं, वेदर फोरकास्ट हमने चेक किया था तो स्नोफॉल शो हो रही थी, और इस्लामाबाद में भी इतना क्लाउडी वेदर था सुबह को, और जैसे ही हम निकले ना लिटरली धूप निकल आई है। ये देखें इतनी धूप हो गई है, अब पता नहीं वहाँ जाके हमें स्नोफॉल मिलेगी या नहीं, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट अगर स्नोफॉल नहीं भी मिली तो शायद पड़ी हुई स्नो मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ कुछ दिनों से स्नोफॉल हो ही रही थी। वो देखें बच्चे वहाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैंने भी खेलना है। okay. अच्छा तो अभी हम ना इधर आए हैं, यहाँ पाइन गार्डन्स के नाम से एक सोसाइटी है मरी में ना, तो उसके पास एक और कोई सोसाइटी बनी हुई है करीब में, जहाँ मेरी पप्पू ने प्लॉट लिया था, तो उसकी कंस्ट्रक्शन की अपडेट वगैरह ले रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके और फिर आगे दोबारा मरी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ से जो मेन मरी है ना वो थोड़ा आगे है, तो वहाँ बर्फ़बारी यहाँ से नज़र आ रही है। देखें यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़बारी नहीं सॉरी, बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही है वहाँ पहाड़ पे। और देखो ज़रा, बात करते करते धूप निकल आई है, कोई तरीका है? मैं खुश हो गई थी बारिश हो रही है तो चलो आगे स्नोफॉल शायद मिल जाए, कभी धूप निकल रही है कभी बारिश हो रही है, मुझे स्नोफॉल देखनी है यार। मैंने पता है कोई 3-4 साल पहले स्नोफॉल देखी थी, वो भी सिर्फ एक बार, तो आज तो मुझे बहुत दिल था यार स्नोफॉल देखने का। मगर देखें बादल तो इतने काले हुए हैं, वैसे मुझे उम्मीद है कि होगी। अच्छा इस तरफ धूप निकली हुई है और इस तरफ काले बादल हो रहे हैं। अब देखो ज़रा, ये एक तरफ कोई मौसम है, दूसरी तरफ कोई मौसम है। देखते हैं अब क्या होता है, जो नसीब में हुआ। ये देखें कैसे काले बादल हो रहे हैं इधर, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये व्यू है ठीक है, जैसे ही हम राइट पे मुड़ेंगे तो ये व्यू है, धूप प्लस काले बादल। आपको घर दिखाती हूँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैंने पिछला एक व्लॉग बनाया था पूरा इस पर, जिसमें दिखाया था कि मेरी पप्पू ने यहाँ प्लॉट लिया है और यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुई है, तो अभी तो खैर रहती है कंस्ट्रक्शन, मगर ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक कंस्ट्रक्शन पहुँची है। सो ये है, ये कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है और आई डोंट नो कितनी रहती है। और मैं तो अपना आपको ना सही पैक करके आई हूँ ताकि मुझे सर्दी ना लगे, तो अभी तो नहीं लग रही मुझे सर्दी। मुझे ना वैसे बहुत सर्दी लगती है, क्योंकि मैं वैसे तो कराची से हूँ, खैर मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हुए 6 ईयर्स हो गए, 6 या 7 ठीक है, तो मगर मेरी आदतें ना वही कराची वाली है कि मुझसे ठंड बर्दाश्त अभी भी नहीं होती है, इस्लामाबाद की भी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है जब मैं बर्फ़ में जाऊंगी तो मुझे तो बहुत ठंड लगती है, और इसी वजह से मैं इतना विंटर्स में ट्रैवल नहीं करती हूँ, बिकॉज आई रियली लव स्नो बट आई डोंट नो हाउ टू बियर द सर्दी। सो इसलिए आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, मैंने 2 लेयर्स थर्मल के पहने हैं, फिर उसके ऊपर भी मैंने एक स्वेटर पहना है, फिर मैंने कोट पहना है, और एक और एक्स्ट्रा मैंने शॉल और कोट रखा हुआ है कि इन केस अगर मुझे सर्दी ना बर्दाश्त हो। सो यस, ये हालात हैं, और जब तक वहाँ पप्पू का अपना प्लॉट वगैरह देख रही हैं और मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ,
और मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। वो देखे सामने पहाड़ पे बर्फ पड़ी हुई है। Really wanna go। हाथ में चाहिए बर्फ, हाथ में चाहिए। तो सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, उनके विंडस्क्रीन पे बर्फ पड़ी हुई है, तो इससे हमें पता चल गया है कि आगे बर्फबारी हो रही है। हमें फाइनली स्नोफॉल मिल गई है। अभी हम रास्ते में ही, हम कोई अब कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं अच्छा सा जहाँ हम उतर सकें और यू नो एंजॉय कर सकें। ये रही, ये रही, मुझे नहीं नजर आ ये रही। अच्छा, वाह।